सर्व आदिवासी समाज द्वारा बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन एसडीएम सीतापुर को सौंप दिया गया। मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को शासन प्रशासन शीघ्र पूरा करे, अन्यथा समाज द्वारा उग्र प्रदर्शन व चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता मनीष की खास रिपोर्ट। सर्व आदिवासी समाज द्वारा संदीप हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से स्थानीय रेस्ट हाउस के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए इतने दिनों तक डेड बॉडी को रखना और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाना प्रशासन शासन के लिए यह शर्म की बात है। साथ ही कहा कि प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय हैं, तो जिस तरीके से विष्णु भगवान का शस्त्र सुदर्शन चक्र है और उस चक्र को चलाकर प्रदेश के अपराधों में नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इधर सीतापुर विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हम हमेशा से हैं और उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। इधर जिले के एडिशनल एसपी ने बताया कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही एसडीएम ने कहा कि संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले जो भी मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर शासन को पत्र भेज दिया गया है। साथ ही मुआवजे की राशि 18 लाख रुपए जिला प्रशासन देने को तैयार है। वही पीड़ित परिवार के द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं किए जाने को लेकर लगातार पीड़ित परिवार से अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा की जा रही है। बहरहाल एसडीएम सीतापुर को झापन सौंपते हुए समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को शासन प्रशासन शीघ्र पूरा करे, अन्यथा समाज द्वारा उग्र प्रदर्शन व चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विदित हो कि धरना स्थल पर आज पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे और समाज व परिजनों के 8 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए रैली में शामिल हुए। संदीप हत्याकांड का आज 10वां दिन आंदोलन है, उनके जो हत्यारे हों पकड़े नहीं गए और उसको लेकर के लगातार उनका परिवार, उनके रिश्तेदार और ग्रामवासी, सर्व आदिवासी समाज सब आंदोलित हैं। किसी भी समाज के लिए मृतक का डेड बॉडी को इतना दिन तक रखना समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आज हम ऐसे समाज से आते हैं और उस समाज में इस प्रकार का अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और शासन प्रशासन के लिए श्रम की बात है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी, विष्णु भगवान का जो शस्त्र है वो क्या है, चक्र है, सुदर्शन चक्र है, और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाइए, हम तो ये आग्रह करेंगे। आपके पास वो अधिकार है कि आपका प्रशासन लापरवाही किया है, यहाँ पर नेग्लिजेंसी हुआ है, उस मृतक परिवार को ढांढस देने के लिए, उनको संतावना देने के लिए आप शासन की ओर से कुछ घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, किसी सरकारी विभाग में योग्यता अनुसार बहुत सारे पद रहते हैं, क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं। ये सब करेंगे तो मानवता के लिए भी अच्छा है और मृतक परिवार के लिए भी और
जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है उसको भी शांत करने के लिए ये आवश्यक कदम है, उसको माननीय प्रदेश के मुखिया को सोचना चाहिए। आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो 803 मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी और शासन से मुआवजे की जो मांग की गई, तो सभी मांगों से शासन को अवगत करा दिया गया है। और आरोपियों की गिरफ्तारी की जो बात है उसमें 7 आरोपियों में से 6 ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक जो है फरार है और पुलिस पूरी तत्परता से उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। और जो मुआवजे की बात है उसमें ऑलरेडी जो है शासन से जो 8 लाख रुपये मिलता है, 8,25,000 रुपये वो भी देने की घोषणा की गई है और अलग से 10 लाख रुपये भी देने की घोषणा की गई है। तो सभी मांगों पर जो है शासन पूरी गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और प्रयास पूरा किया जा रहा है कि समाज को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए और इस धरना को समाप्त कराया जाए। आज सर्वाधिवासी समाज के द्वारा जो कुछ दिनों से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज उनके द्वारा जो है वो रैली निकाली गई। रैली निकालने के बाद उनकी जो 803 मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए SDM सीतापुर को जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि आवश्यक जो बल और व्यवस्था जो है लगाई गई थी।